हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल हेड स्टार्ट कंप्यूटर। आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं नंबर सिस्टम का एकदम बेसिक फंडामेंटल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे एंशिएंट काउंटिंग टेक्निक्स के बारे में। एंशिएंट टाइम्स में काउंटिंग सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फिंगर्स यूज करके, फिर उसके बाद आया पेबल्स जिसको काउंटिंग के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता था, और उसके बाद आया कुछ मार्किंग जो केब वर्ल्ड्स में होता था, जिसको हम लोग जिसमें से एक पॉपुलर मार्किंग का नाम है टैली मार्क, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। सो नंबर सिस्टम आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ पोजिशनल नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज़ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम को हम लोग फर्दर फोर कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल आता है। और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम जो एंशिएंट टाइम में चलता था उसको उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक ही देंगे टैली मार्क के बारे में। टैली मार्क में हर एक डिजिट को काउंट करने के लिए सेपरेट वर्टिकल लाइंस यूज होते हैं, जैसे वन के लिए सिंगल वर्टिकल लाइन, टू के लिए डबल वर्टिकल लाइन। तो बहुत सारा वर्टिकल लाइंस को काउंट करने में दिक्कत होता है, ज़्यादा टाइम लगते हैं, इसके वजह से फाइव को हम लोग देख रहे हैं फोर वर्टिकल लाइंस और वन डायगोनल लाइन का एक ब्लॉक बनाया गया है। जैसे टेन में ऐसा ही ब्लॉक टू टाइम्स यूज़ होता है, तो काउंटिंग में बड़ी आसानी होता है। लेकिन इसको क्यों बोला जाता है नॉन पोजिशनल, क्योंकि ये सारा लाइंस का जो है इसका कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, चाहे नंबर वो एकदम राइट मोस्ट साइड पे रहे चाहे लेफ्ट मोस्ट साइड पे, उसका वैल्यू हर जगह पे वन ही होता है। अगर हम लोग इसमें से कोई एक लाइन को अगर अल्टर भी कर दें दूसरे लाइन के साथ, फिर भी इसका ओवरऑल वैल्यू जो है वो सेम रह जाता है, अनचेंज रह जाता है। सो हम लोगों का फोकसिंग एरिया जो है वो है पोजिशनल नंबर सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो सबसे कॉमनली यूज़ होते हैं। हर चीज़ में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा फैमिलियर हैं इसके साथ। इसमें टोटल जीरो से लेके नाइन तक टेन डिजिट्स हैं, इसलिए इसका बेस होता है टेन। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बहुत सारा डेसिमल नंबर्स का। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस समझने के लिए हम लोगों को और तीन नंबर सिस्टम के साथ इंट्रोडक्शन करवाना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बाइनरी सिस्टम। कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पल्स का ऑन ऑफ सिग्नल से काम करता है। ऑफ सिग्नल यानी कि जीरो और ऑन सिग्नल यानी कि वन। ऑन ऑफ सिग्नल सिर्फ जीरो और वन से जो नंबर सिस्टम तैयार होता है, इसका बेस ओनली टू है क्योंकि इसमें सिर्फ जीरो और वन है, इसलिए इसका नाम आया है बाइनरी। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो नंबर्स ऐसे दिए गए हैं, इसका नंबर ऑफ डिजिट्स चाहे जितना भी चाहे हो सकता है, लेकिन इसमें जीरो और वन को छोड़ के और कोई डिजिट यानी कि टू से लेकर नाइन तक हम लोगों को देखने नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मीन्स सिक्स एंड डेसिमल मीन्स टेन, सो टेन प्लस सिक्स दैट मीन्स सिक्सटीन। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 16, जिसमें डेसिमल जैसा 0 टू 9 सारा डिजिट्स है, सारा 10 डिजिट्स भी है, और इसके साथ ए टू एफ ब्लॉक लेटर में ए से लेके एफ तक भी, जो नॉर्मली हम लोग लेटर के तौर पे जानते हैं, जो एज डिजिट इस नंबर सिस्टम में यूज़ होता है आफ्टर 9, ए बी सी डी ई एंड एफ। सो ओवरऑल 0 टू 9 10 और ए टू एफ 6, 10 प्लस 6 16 बेस होता है। और इसका एग्जांपल पे हम लोग देख रहे हैं कि जो नंबर्स है उसमें ए से लेके एफ तक डिजिट्स भी यूज हुआ है। और लास्ट नंबर सिस्टम इस ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें टोटल 8 डिजिट्स होता है 0 से लेके 7 तक, मतलब इसमें 8 और 9 ये दोनों डिजिट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका बेस होता है 8। इसमें एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं जो भी नंबर्स इसमें है, इसमें कहीं भी 8 और 9 का यूज़ नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस ट्रेनिंग वीडियो को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं। इस पार्ट में हम लोग डेसिमल और बाइनरी ये दोनों डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है वो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का डिस्कशन है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम हो, चाहे वो डेसिमल हो चाहे बाइनरी हो, वो जीरो डिजिट से स्टार्ट होता है और उसके बाद उसके सारे जो डिजिट्स हैं वो एक के बाद एक आ जाते हैं, जैसे कि डेसिमल का अप टू 9 तक है सिंगल डिजिट्स। उसके बाद वापस से ये डबल डिजिट स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स यही जो पैटर्न जीरो से स्टार्ट हुआ है अप टू 9 तक, वो वापस से आने चालू हो जाता है। जैसे कि 10 में लास्ट डिजिट जीरो है, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे आता है। तो मेरे पास यहाँ पे जो स्लाइड है उसमें 16 तक ही अटा है। हाँ, इसके बाद तो सबको पता होगा बाइनरी नंबर सिस्टम भी जीरो से स्टार्ट होता है। हम लोगों को डेसिमल के पैटर्न के बारे में इसलिए जानना है क्योंकि बाकी नंबर सिस्टम को भी अगर हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वो पैटर्न बहुत काम आता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में और एक डिजिट है सिंगल डिजिट में 1, लेकिन इसके बाद 2 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट इसमें नहीं आता है। तो दैट मीन्स 10 ऐसा डिजिट है कम्बिनेशन में जो इसके बाद आता है, मतलब 0 फिर 1 उसके बाद 10 आएगा, जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट 2 के हिसाब से माना जाता है। मतलब बाइनरी का 10 डेसिमल का 2 के इक्वल होता है। 10 के बाद जो डिजिट नॉर्मली आता है डेसिमल में, दैट इज 11, यहाँ भी 11 आ सकता है क्योंकि इसमें 1 है। 11 के बाद 12 से लेकर 19 तक कोई भी डिजिट इसमें नहीं आता है। 20, 30 से लेके अप टू 99 तक कोई भी डिजिट्स इसमें नहीं आता है। तो इसके बाद जो डिजिट्स वापस आता है वो है 100। सो फ्रेंड्स, बाइनरी में ये जो फर्स्ट 4 नंबर हैं फ्रॉम 0 टू 11, 0, 1, 10, 11, ये फर्स्ट 4 डिजिट एक पैटर्न फॉर्म करता है और यही पैटर्न से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो कोई नंबर भी मिस आउट नहीं होगा। जैसे कि फिफ्थ नंबर जो आया है वो 100 है और उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, बिल्कुल इसके जैसा। मतलब इसके बाद जो नंबर आने वाला है उसका लास्ट डिजिट 1 होने वाला है, दैट मीन्स इट विल बी 101। इसके बाद जो नंबर आने वाला है उसका लास्ट डिजिट होगा 10, लास्ट टू डिजिट्स ये 110, और उसके बाद आएगा 111। वापस से वही पैटर्न फॉलो होगा, मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 जरूर होगा। 1000, उसके बाद 1001, उसके बाद 10, 1010, उसके बाद 11, 1011, इसके बाद जो नंबर आएगा वो है 1100। 0 है लास्ट में, उसके बाद 1 आएगा, मतलब 1101, 1110, 1111, that is equivalent to 15 as per decimal system। 1111 के बाद इसमें आ जाता है 10,000। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसमें अगर हम लोग पूछें कि decimal 13 का equivalent binary number क्या होता है, तो इस टेबल से ही हम लोग बता सकते हैं कि that is 1101, 1101। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि डेसिमल 23 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होगा, जो यहाँ पे इस टेबल पे तो दिया नहीं है, तो हम लोगों को वैसे ही कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए इसका एक मैथ है, एक कन्वर्शन सिस्टम्स है जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिविशन के हेल्प से डेसीमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसीमल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं कैसे डेसीमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। हम लोगों को एक सम दिया गया है 23, ब्रैकेट के बाहर ऐसे 10 लिखा हुआ है सबस्क्रिप्टेड, दैट मीन्स दिस नंबर इज इन डेसिमल फॉर्म और हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये 2 डिफाइन कर रहा है कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जिस नंबर सिस्टम में सम है वो है 10, दैट मीन्स डेसिमल, और जिस नंबर सिस्टम में लेकर जाना है उसका बेस है 2, मतलब कि बाइनरी। तो बेसिकली जो नंबर है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। एक नंबर को, मतलब नंबर जो डेसिमल में है उसको जिस नंबर सिस्टम में हम लोगों को कन्वर्ट करना है इस सिनारियो में, वो बाइनरी है। तो बाइनरी का बेस 2 है इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यही बेस 2 जो है वो यहाँ पे आएगा और ये नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इसका कोशेंट कितना आएगा? इसका कोशेंट आएगा 11 और इसका रिमाइंडर आएगा 1। इस नंबर को तब तक 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये नंबर 0 नहीं बन जाता है। तो वापस इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें कोशेंट आएगा 5 और रिमाइंडर 1। इसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे,
जिसमें क्वेश्चन रहेगा 2, रिमाइंडर 1, वापस इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन रहेगा 1, बट इसमें रिमाइंडर हो जाएगा 0, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर आएगा नहीं, और इस 1 को वापस अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा 0 और रिमाइंडर चला जाएगा 1। तो हम लोगों को क्या करना था, इस नंबर को डिवाइड करते रहना था तब तक जब तक 0 नहीं आता है। 0 यहाँ पे आ गया है। अब हम लोगों के पास जो आंसर है वो हम लोग बॉटम टू टॉप यानी कि यहाँ से लेकर के ऐसे ऊपर की तरफ लिखेंगे। दैट मीन्स हम लोग के पास आंसर जो आया है वो है 1 0 1 1 1। सो आंसर इज 23 जो डेसिमल में है उसको अगर हम लोग बाइनरी में लेकर जाते हैं तो दैट इज 1 0 1 1 1 ये नंबर आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वो सम है जो मैंने अभी कैलकुलेट करके निकाला 1 0 1 1 1 जो बाइनरी में है, और हम लोगों को इसको बेस 10 यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली इस नंबर को हम लोग लिखेंगे ऐसे, और इसका राइट मोस्ट साइड से इसमें पावर अप्लाई करेंगे। ये हो गया 0, इसका पावर आएगा 1, इसका 2, ये 3 और ये 4। जब हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे वो लिखते हैं हम लोग ऐसे 1 × 1⁴ है इसलिए 2⁴, 0 × 2�³, ये 1 है इसका पावर 2 है, 1 × 2⁪, 1 × 2⁵, दिस 1 × 2⁰। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे जो इसका वैल्यू है 2⁴ का वो 16 होता है, दैट मीन्स 1 × 16, 0 × 2�³ मीन्स 8, 1 × 2⁴ दैट मीन्स 4, 1 × 2⁰ दैट मीन्स 2, 1 × 2⁰। कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू आता है 1, सो 1 × 1। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को मिलता है 16, ये 0, 4, 2 और 1, और इन सब को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 23। सो आंसर इज 1 0 1 1 1 जो कि बाइनरी में है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 23। सो आज हम लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ नंबर सिस्टम का, और साथ ही साथ हम लोग डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन भी सीखें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसका पार्ट 2 में हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन भी सीखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट पे ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।